अपना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमारे लास्ट लेक्चर में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़, कि एंटीबॉडीज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। उनमें से है IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम IgG। IgG जो होती है वो इट इज़ द मोस्ट प्रिंसिपल सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इन द ब्लड। सबसे प्रिंसिपल सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है ब्लड के अंदर और हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में उपस्थित होती है, करीब 80-85% उपस्थित होती है। और इट इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ। किसके अंदर उपस्थित होती है? ब्लड और लिम्फ के अंदर पाई जाती है। दूसरा, ये ही केवल एक IgG ही है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को या माता के प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। माता के प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा कि माता के प्लेसेंटा से भ्रूण में इम्यूनिटी प्रदान करने में सहायता करेगी। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक लिंकेज विद द फैगोसाइट्स। इसकी फैगोसाइट्स या भक्षाणु कोशिकाओं के साथ में लिंकेज होती है। चौथा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ये IgG कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करती है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में मैं आपको अलग से डिस्कस करके बताऊंगी इस लेक्चर के बाद। फिर हम आते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M जो होती है उसका काम भी होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। उसके बाद हम आते हैं IgA। IgA क्या होती है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है IgA का? कि IgA इज सिक्रीटेड इन द मदर मिल्क, सलाइवा, म्यूकस एंड अदर एक्सटर्नल सिक्रीशन। IgM मदर मिल्क में सिक्रीट होती है, तो मदर मिल्क से इम्यूनिटी किस में आ जाती है? बच्चे में हो जाती है। तो इसके बाद है IgE। IgE जो होती है इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक लिंकेज विद दैट ऑफ द मस्ट सेल एंड ल्यूकोसाइटिक बेसिओफिल सेल्स। उसके बाद हम आते हैं IgD या इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बीटा लिम्फोसाइट्स एंड इट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन। क्या होता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बीटा लिम्फोसाइट्स की सतह पे प्रेजेंट होती है और किसमें मदद करती है? प्रतिजन को पहचानने में। अब जैसे कि मैंने आपको इनकी सबकी प्रॉपर्टीज बताई, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ये पूरक तंत्र या पूरक तंत्र क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो होता है ये इट डिनोट्स, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटीन सब्सटेंसेस इन द ब्लड। किसको डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? नंबर ऑफ प्रोटीन सब्सटेंस इन द ब्लड। ये प्रोटीन सब्सटेंसेस जो होते हैं ये रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये प्रोटीन सिस्टम जो होता है इनके C1 to C11 प्रोटीन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं एंड द रिएक्शन चेन इज एसोसिएटेड बाय AGAB रिएक्शन। ये जो रिएक्शन चेन होती है वो किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है, किसके द्वारा प्रारंभ होती है? AGAB रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दूसरा, या तो AGAB रिएक्शन के द्वारा चेन इनिशिएट होती है या फिर डायरेक्टली बाय सम पैथोजन्स, या फिर कोई पैथोजन बाहर से आ रहा है तो उसके द्वारा। थर्ड पॉइंट इसका ही होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का कि जब ये AGAB कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो इन द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जब AGAB रिएक्शन के दौरान कोई भी C1 to C11 प्रोटीन क्रिया करेंगे चेन रिएक्शन में तो वो किस पे क्रिया करेंगे? वो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन पे या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। और माइक्रोबियल मेम्ब्रेन जो होती है ये अल्टरनेटली किसके साथ, माइक्रोबियल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है कि मैक्रोफेजेस के साथ में मिलकर के मैक्रोफेजेस के जो लाइसोजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट कर देती है और उनसे जो लाइसोजाइम निकलता है
वो इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का ये प्रोसेस हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये किसने बताया कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो प्रोटीन सब्सटेंस पाए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये बताया था बोडेक एंड गैन ने। बोडेक एंड गैन ने 1901 में बताया कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, यही प्रोटीन्स पूरा पूरक तंत्र का निर्माण करते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमन सीरम। किसमें पाया जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे शरीर में? ह्यूमन सीरम के अंदर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स? ये फैक्टर्स जो होते हैं C1 to C11 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? C1 to C11। दीज फैक्टर्स आर नथिंग बट दे आर द सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। नंबर 3, टोटल सब यूनिट्स जो होती हैं वो 11 प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? हीट लेवाइल होते हैं। हीट लेवाइल कैसे होते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होते हैं, ये विकृत हो जाते हैं, तब ये काम नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर पे ये C1 to C11 प्रोटीन काम नहीं करते हैं। और अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटे के लिए और या शरीर के बाहर की तरफ ये रहे तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? ये शरीर के अंदर एक्टिव होते हैं जब इनको कोई प्रतिरक्षा का काम करना होता है या AGAV रिएक्शन का काम करना होता है। तो इस तरह आज के लेक्चर्स में हमने देखा कि एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होता है। थैंक यू।